आज हमने बनाया है सोनी डीवीडी होम थिएटर सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो DAV-DZ510। ये जो पीस है इसके अंदर ये थोड़ा बहुत ही फास्ट फास्ट जल्दबाजी में किया गया काम है। हमारे प्रिय मित्र को सब्र नहीं है, रुक नहीं सके तो मैं वीडियो बनाना भूल गया। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, प्लीज़ वेट का प्रॉब्लम है नहीं था, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। क्या सॉल्व किया है और उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, या आप सभी के पास ऐसा पीस इन फ्यूचर आए तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। आप लोग भी, आप पास कभी ऐसा आए तो हेल्पफुल हो, थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो जो मेन मेन सप्लाई है, ओनली फॉर प्लीज़ वेट, सिर्फ प्लीज़ वेट के लिए कौन सी सप्लाई ज़रूरी है जो कि आना चाहिए, वो मैं पहले बता देता हूँ, बाकी के सप्लाई भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो हमारा प्लीज़ वेट रहता है, प्लीज़ वेट का जो प्रॉब्लम है उसकी जो वजह दो होती है, एक या तो इसका मेमोरी IC, जो प्रोग्रामिंग IC रहती है, उसमें कोई दिक्कत हो या करप्ट हो जाए, क्योंकि इसमें USB लगता है, USB भी लोग कनेक्ट करते हैं, तो USB के अंदर कोई वायरस आ जाती है। कोई गाना हम कंप्यूटर से लोड करते हैं तो साथ में वायरस भी आती है उसमें, तो उसकी वजह से करप्ट होने के चांसेस रहते हैं तो भी आते हैं। और अगर ये जो है ये RAM IC है, आप देख लो, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, मैंने चेंज किया है तो सोलर लगे हैं आसपास, आप देख सकते हो। और इसके कुछ वोल्टेजेस जो इम्पोर्टेंट है, अगर वो वोल्टेज भी मिसिंग रहेगी तो भी प्लीज़ वेट में आएगा। तो मैं आपको वोल्टेज लेकर दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको पहले ऑन करते हैं। इसको हमने ऑफ करके रखा हुआ है। इसको हमने ऑन किया, CD मूवमेंट हुई, लेकिन फिलहाल हम CD को नहीं, CD पर नहीं जाएंगे, हम पहले उसके सप्लाई पर ध्यान देंगे जो कि ज़रूरत है। क्लोज क्लोज आया, इसका लिफ्ट स्विच में इशू है, अभी गया रीडिंग में। तो अच्छा, ये भी चीज़ ध्यान रखो, ये ओपन क्लोज का इशू, क्लोज नहीं हुए तो इसके जो नीचे है ट्रे के नीचे एक लिफ्ट स्विच लगती है, और लिफ्ट स्विच में आप थोड़ा केमिकल डाल के उसको क्लीन कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रॉब्लम ना हो तो वो स्विच को खोल के क्लीन भी करते हैं। चाहिए तो मैं आपको देखता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, मैं उसको क्लीन करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है समय की पाबंदी है। हम बात कर लेते हैं इसके सप्लाई की। तो इसका जो पिन नंबर 1 है, डायग्राम के हिसाब से समझा दूँ क्या, इजी रहेगा? मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ जो कि बहुत इजी रहेगा। और बाकी ये पीस वर्किंग गुड हो गया है, मैं डायग्राम के हिसाब से आपको समझाता हूँ। पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था ये विदाउट CD ओपन क्लोज किया था तो हो रहा था क्लोज, पर ये CD के साथ लिया तो क्लोज नहीं हो रहा था। तो ये जो ओपन क्लोज का ये अपना लिफ्ट स्विच है, इसको हम अभी खोल कर क्लीन करेंगे, और साथ ही साथ जो ये CD रीसेट का लिफ्ट स्विच है इसको भी क्लीन कर देंगे। मैं इसको अभी खोल कर दिखाता हूँ कि इसके अंदर, या इसको कैसे खोलते हैं।
वो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे निकालते हैं और किन कारणों की वजह से जो है ये है अपना लिप स्विच, और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ये है अपना इसको हम अभी ओपन करते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये जो है साइड का हिस्सा आप देख लो, अब साइड के हिस्से पे ये लॉक रहता है यहाँ पे, और ये साइड पे भी यहाँ पे लॉक रहता है। तो इसको हम जो है बड़े ही सावधानी से निकालेंगे। अगर ज़्यादा ज़ोर से झटका देंगे तो इसके अंदर जो है स्प्रिंग लगी रहती है, पट्टी रहती है, और वो उछल के यहाँ वहाँ गिर जाए तो ढूंढने का मुसीबत एक अलग हो जाएगा। ये हमने इसको निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। इसके अंदर पहले किसी ने, लगता है हमारे प्रिय मित्र ने, केमिकल वगैरह मारा है, और आप इसकी कंडीशन देख सकते हो। अभी इतनी कंडीशन में रहेगा तो इसके ऊपर केमिकल मारने का क्या फ़ायदा है। तो इसको हम अभी क्लीन करेंगे। अभी आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा जूम ऑन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे ब्लैक डॉट्स पड़े हुए थे, अभी ये चमकदार हो गए हैं, सफ़ेदी की चमकार आ गई है इसमें, और ये सही हो गया है। अभी जो है इसकी जो ये दो पट्टियां हैं यहाँ पे, इसको ध्यान दें, ये भी थोड़ी आप कर देना, अच्छी बात है। कर देंगे तो इसको जो है ब्लेड से थोड़ा इसको ऐसा हल्का, एकदम हल्के हाथ से क्लीन कर सकते हैं दोनों को। अभी जो है हमने इसको क्लीन कर दिया है सही से, और इसको हम फिट कर रहे हैं। अभी उम्मीद है कि अपना जो क्लोज करने के बाद वापस से ओपन होता था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, 100% नहीं 200%। इसको अभी हम फिट करते हैं और फिट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी आप को मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसका स्विचेस क्लीन किया, खोलकर आपको दिखाया था, और ये जो है अपना ओपन क्लोज का जो प्रॉब्लम हो रहा था, अपना ओपन क्लोज का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है सक्सेसफुली। और अभी इसको डिलीवरी करेंगे, ये बहुत जल्दबाजी में है हमारे भाई साहब जो हैं। अभी हम थोड़ा सा म्यूजिक का आनंद लेते हैं। हमने इसको FM रेडियो के ऊपर ट्यून करके रखा हुआ है, और आप देख सकते हो FM रेडियो में आवाज़ है। अब एक दिक्कत आती है इसमें कि इसमें आवाज़ नहीं है, उसमें आवाज़ नहीं है, तो सभी स्पीकरों में चेक कर लेते हैं आवाज़ है या नहीं। ये फ्रंट राइट है, ये सब ऊपर, ये अपना सेंटर, ये अपना सराउंड है। इसमें आवाज़ थोड़ी कम रहती है, आवाज़ थोड़ी कम है सराउंड में, लेकिन है, वर्किंग गुड है। तो ये है अपना DZ 510 का सर्विस मैनुअल, और अब हम बात कर लेते हैं अपने रैम आईसी की। हम बात कर रहे थे कि रैम आईसी पे कहाँ कितना वोल्टेज आता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
ये रहा अपना रैम आईसी, आपको मैं दिखाता हूँ। आईसी नंबर 1104 एसडी रैम, और इसकी जो सप्लाई है उस पर आप ध्यान दें। पिन नंबर 1 पर 3.3 वोल्ट है, और जहाँ पे भी ये रेड रेड लाइनें गई है वहाँ पे 3.3 वोल्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कि रैम खराबी है ये हमें कैसे पता चलेगा। बहुत सारे होम थिएटर हैं या बहुत सारे सिस्टम हैं जिसके अंदर रैम आईसी है, लेकिन अभी रैम आईसी चेंज करनी है, चेंज करके देखना है, वो तो सबसे इजी उपाय है कि भैया इतनी महंगी भी आईसी नहीं है कि हमने चेंज किया फटाक से चेक कर लिया, वो तो एक रास्ता है ही। लेकिन उसके बगैर कैसे चेक करें वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि मुझे समझाने में इजी हो। ये जो आप देख रहे हो ना पिन नंबर दो पे ये जो वेरिएशन लिखा हुआ है 0.8 to 1.2, ये वेरिएशन और ये सेकंड थर्ड ऑलमोस्ट सब पे है कुछ ना कुछ वेरिएशन, लेकिन ये जो है ना ये जहाँ पे एरो का निशान दिया हुआ है ये वेरिएशन जो पिन नंबर दो की है ना ये इतनी आनी चाहिए ऑन मोड में रीडिंग मोड में। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है, इसके ऊपर अगर इतनी वोल्टेज जो ख़राब रहेगी उसके ऊपर इतना नहीं आएगा। जब भी आप सीडी ओपन क्लोज करोगे और सीडी प्ले मोड में रहेगी तब, सीडी नहीं रहेगी मतलब जैसे या एफएम में कोई साउंड नहीं है कुछ नहीं है वर्किंग नहीं है, स्टैंड बाई और ऑन मोड में ये सप्लाई है ये इतनी होनी चाहिए, ये इससे पता चल जाएगा। और जब ये सीडी रीड करेगी या कोई भी गाना प्ले करेगा तो ये वेरी होता है, अप एंड डाउन होता है।